हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बच्चों को किस तरह से हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ाना है और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों को रटवाने की जगह हम ये कोशिश करेंगे कि उनको ये अच्छे से समझ में आए कि प्लेस वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, ताकि आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वंस। तो आपको पता है सिंगल डिजिट नंबर जो होते हैं उनका प्लेस क्या होता है? वंस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते चलेंगे तो आगे चल के हम प्लेस वैल्यू चार्ट इजीली बना पाएंगे, इजीली उसको समझ पाएंगे। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आता है? वंस, जिसमें हमारा सिंगल डिजिट नंबर रहता है। 0 से लेके 9 तक के नंबर हमारे सिंगल डिजिट नंबर या फिर 1 डिजिट नंबर होते हैं। तो और ये हमारे कौन से प्लेस पे आते हैं? वंस प्लेस पे आते हैं। ये क्या है हमारे सब? 1 डिजिट नंबर है। अब हम 2 डिजिट नंबर की जब बात करेंगे तो 2 डिजिट नंबर हमारे 10 नंबर से स्टार्ट होते हैं और 99 नंबर तक होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 2 डिजिट नंबर और 99 पे एंड हो रहे हैं। बीच में ये डॉट डॉट लगी हुई है कि 14 के बाद 15, 16, 17 सारे नंबर आएंगे 14 और 99 के बीच के। तो हमारे ये सब 2 डिजिट नंबर हैं। तो जो हमारा सिंगल डिजिट नंबर होता है आपने पढ़ा होगा, जिसे हम बच्चों को काउंटिंग लिखवाते हैं तो ऊपर टी ओ लिखवाते हैं। तो ये ओ क्या होता है? हमारा वंस होता है और टी क्या होता है? टेंस होता है। ये वाली जो हमारी लाइन है वो वंस की लाइन है और ये वाली जो लाइन है हमारी वो टेंस की लाइन है। तो वंस और टेंस हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा, टेन जो है हमारा 1 0 10। तो टेंस की लाइन में हमारा ये वाला 1 आएगा और 0 हमारा वंस की लाइन में आएगा। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूं ताकि आप आगे चल के प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझ पाए कि क्यों हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं। डिजिट्स को 10 नंबर को एक साथ लिखने की बजाय हमने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि उसकी आपको प्लेस वैल्यू पता चल सके। अगर हम खाली 10 नंबर में 0 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो वो कौन से प्लेस पे है? हमारी वंस प्लेस पे। और 1 हमारा कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। इसी तरह से नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे और आपसे पूछा जाता है कि 4 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 4 हमारा कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। और 1 हमारा कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। तो इसीलिए सिंगल डिजिट से स्टार्ट करिए, 1 डिजिट से स्टार्ट करिए और उसको बताइए जो सिंगल डिजिट नंबर है वो वंस प्लेस पे आ रही है हमारी। अगर हमारी 2 डिजिट नंबर हो जाता है तो उसमें से 1 डिजिट हमारी वंस प्लेस पे होगी और दूसरी डिजिट हमारी टेंस प्लेस पे होगी। ये बताना बच्चों को बहुत जरूरी है, तभी वो आगे चल के मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है? 2 डिजिट नंबर है। अब इसी तरह से हमारा 3 डिजिट नंबर होगा, 4 डिजिट नंबर होगा, वंस, टेंस, 100, इसी तरह से हमारा। तो अब हम पहले वंस लिखते हैं। ओ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वंस। टी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंस। एच हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। और टी एच हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? 1000। तो अगर हम एक कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 डिजिट नंबर का हमने कोई एग्जाम्पल लिया। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है 5462। तो इसको अब हमें इसमें फिल करना है बॉक्सेस में कि 2 नंबर जो है हमारा यहाँ पे, जो ये 2 नंबर है हमेशा आपको राइट मोस्ट साइड से ही स्टार्ट करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो 2 नंबर हमारा हम आप बताएंगे कहाँ पर आएगा? वंस प्लेस पे आएगा। 6 नंबर हमारा टेंस प्लेस पे आएगा। 4 हमारा 100 प्लेस पे आएगा और 1000 हमारा, सॉरी 5 हमारा 1000 प्लेस पे आएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 6 4 5। तो सबके हमने नंबर उनकी जगह पर रख दिया, उनके प्लेस पे रख दिया है यहाँ पर। अब एक और आगे चल के देखते हैं और क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अगर अब तक
का वीडियो आपके समझ में आया है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और आप इसको खुद से बच्चों को करवाइए कि अब आप इनको खुद फिल करिए। जैसे कि 2360 नंबर है, 2360, इसको आपको फिल करना है। तो ऊपर सबसे आप पहले लिख दीजिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इससे हमें पता चलेगा कि टू हमारा कौन से प्लेस पे आएगा, थाउजेंड प्लेस पे आएगा। थ्री हमारा कौन से प्लेस पे आएगा, हंड्रेड प्लेस पे आएगा। सिक्स हमारा कौन से प्लेस पे आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा। और जीरो हमारा कौन से प्लेस पे आएगा, वंस प्लेस पे आएगा। इस तरह से थोड़े से एग्जाम्पल वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट तक के आप बच्चों को करने के लिए दीजिए ताकि उनकी प्रैक्टिस होए और वो समझ पाए कि किसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमेशा हमें वंस प्लेस से ही नंबर पुट करने हैं। तो जीरो हमारा हो गया वंस प्लेस पे, सिक्स टेंस प्लेस पे, थ्री हंड्रेड प्लेस पे और टू थाउजेंड प्लेस पे। इसी तरह से ये भी करना है। अब सी पार्ट में देखिए हमारा थ्री डिजिट नंबर है तो इसीलिए मैंने बोला है हमेशा आपको वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है। कोई भी नंबर आपको होगा तो वो आप वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि थाउजेंड से स्टार्ट करें या हंड्रेड से या फिर 10,000 से, हमेशा आपको वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है। तो सिक्स 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 हमने पुट कर दिया तो यानी हमारा ये नंबर क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं हंड्रेड के नीचे ये सिक्स आ रहा है तो 666 नंबर था ये हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हम फिल कर लेते हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाई हुई है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल लेके आप हम बच्चों को घर में दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि उनको और अच्छे से क्लियर हो कि हाँ हमें वंस प्लेस से ही नंबर लिखने स्टार्ट करने हैं सबसे पहले तो, और फिर कौन सा नंबर कहाँ पुट करना है तो ताकि हम उसका प्लेस वैल्यू पता कर सके आगे चल के। अब ये हमारा फाइव डिजिट का नंबर है। अगर आपके सिलेबस में फाइव डिजिट तक के नंबर हैं, जैसे थर्ड क्लास के बच्चों के में होते हैं 10,000 तक, सेकंड क्लास के बच्चों के लिए 1,000 तक का पढ़ना है और थर्ड क्लास के बच्चों को हमें क्या करना है, 10,000 तक पढ़ना है। तो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो हमने अब तक पढ़ा है उसका एक हमने चार्ट बना लिया है कि किस तरह से हम प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं तो आपको 1,000 तक का ही पढ़ना है और अब थर्ड क्लास से आगे आपको फिर 10,000 का पढ़ना है। तो वंस को हम इस तरह से लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब यहाँ पर देखेंगे हम फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर 3,617। कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है और उसमें आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी सब सब डिजिट की अलग अलग प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। सेवन की अलग प्लेस वैल्यू बतानी है क्या होगी, वन की अलग प्लेस वैल्यू, सिक्स की अलग और थ्री की अलग। तो नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सेवन हमारा अब तक हमने देखो पढ़ा है उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि सेवन हमारा कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो हम सेवन की मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो सेवन मल्टीप्लाई वन हमारा क्या हो गया, सेवन। नेक्स्ट नंबर है हमारा वन। अब आपको पता होगा कि वन हमारा कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। तो वन की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेन से। तो वन मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, सिक्स है हमारा हंड्रेड प्लेस पे, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से, तो 600। ये हमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू बता रहा है कि सेवन की प्लेस वैल्यू क्या है, सेवन। सेवन नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेवन। वन नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, टेन। और सिक्स नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, 600। क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा है ईच डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो हर एक डिजिट की हम प्लेस वैल्यू बताते जा रहे हैं। और थ्री क्या क्या हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई थाउजेंड इक्वल टू 3,000। तो थ्री नंबर की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 3,000। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं 4052 का।
यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए 4052। तो अब आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये पता लग जाए कि अब तक का वीडियो आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, प्लेस वैल्यू जो हमने अभी तक समझी है वो समझ में आई है या नहीं आई है। उसके बाद फिर हम अपने आंसर मैच करेंगे। तो सबसे पहले टू नंबर के लिए देखते हैं, टू हमारा वंस प्लेस पे है तो टू मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, फाइव हमारा टेंस प्लेस पे है तो फाइव मल्टीप्लाई टेन हो जाएगा, जीरो हमारा हंड्रेड प्लेस पे है तो जीरो मल्टीप्लाई हंड्रेड हो जाएगा, और फोर हमारा थाउजेंड प्लेस पे है तो हमारा ये 4000 हो जाएगा। एक प्लेस वैल्यू हमें पता करने का फायदा और है, इससे हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको यही वाला नंबर दे दिया है और आपसे इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हैं 4000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 2। तो इससे क्या है, प्लेस वैल्यू निकालने से हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी इजीली निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा, अब जो भी आप अब तक हमने पढ़ा था उसमें ईच डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी थी, बट इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसमें एक नंबर पे अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। 8937 नंबर हमें दिया हुआ है, इसमें 9 नंबर पे अंडरलाइन है, तो हमें सिर्फ 9 नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप इजीली बता सकते हैं अब तो कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हमारी 900 है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसमें आपको जो भी अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट हमारी टेंस प्लेस पे, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 40 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8000, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई 100 100। तो इस तरह से हमने क्या है, सिर्फ एक डिजिट की जो भी अंडरलाइन हुई हुई है उसका प्लेस वैल्यू बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं स्कूल्स में, तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 765, यानी इस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। वंस, टेंस, हंड्रेड इस तरह से लिखेंगे, 6 हमारा टेंस प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यानी 60। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करने हैं हमें। अब हम देखेंगे फेस वैल्यू। अब तक हमने क्या पढ़ा था, प्लेस वैल्यू, और अब हमें पढ़नी है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बहुत सिंपल है, प्लेस वैल्यू की तरह उसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द सेम डिजिट इटसेल्फ, यानी कोई भी आपसे नंबर किसी डिजिट में पूछा जाएगा वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे कि आपको फेस से पता चल रहा है कि सबका फेस जैसे अलग अलग होता है, तो जैसे कि अगर मेरा फेस देख के पूछा जाएगा तो मेरे बारे में ही पूछा जाएगा, आपका फेस देख के कुछ पूछा जाएगा तो वो आपके बारे में ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं थोड़ा, इन द नंबर 45634 द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, 3 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी, 6 ही होगी। तो अब हमें यहाँ पे फेस वैल्यू फाइंड करनी है अंडरलाइन नंबर की, तो 4 नंबर पे अंडरलाइन है तो 4 ही हमारी इसकी फेस वैल्यू है। नेक्स्ट 8 नंबर ही हमारा, तो इसमें कुछ हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसकी पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पोजीशन पे है, सिर्फ नंबर इटसेल्फ इज अ फेस वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।